वेलकम टू अनदर वीडियो। यह अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 5 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 5 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं राइनर, एनी और बर्टोल्ड को, जहां पर वो अब भी उस बंदे को याद कर रहे हैं जिसने फांसी लगाने से पहले उनको अपनी कहानी सुनाई थी, जिसका कारण शायद कोई गिल्ट होगा जो उसके अंदर रहा था, जिसको लेकर उसने उनको सच बताया ताकि कोई उसकी बात को जज कर सके। अब जिस चीज को डायरेक्टली सीधा सीधा फेस कर सकता है यहाँ पर राइनर भी, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ पे उसने काफी सारे गलत काम किए और वो गिल्ट में जी रहा है। जहाँ वो एरन को देखते ही हैरान हो जाता है, मतलब उसके सिट्टी पिट्टी गोल हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्लैशबैक और पुरानी बातें उसको अभी याद आने लग जाती है। तो आगे बढ़ते कुछ और बात, जैसे कि अभी हम जहाँ पर है वहां से तुम सारी चीजें सुन सकते हो जो कि इस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है, और हमारे ऊपर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर लोग रहते हैं। पर ये सारी बात तो राइनर को क्यों बता रहा है? पर जो भी हो, यहाँ पे उसके हाथ में कट लगा हुआ है जो हम जानते हैं किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और साथ में वो यहाँ बैठा देता है राइनर को जहाँ कुछ और वार्तालाप वो लोग करने वाले हैं। तो अब इस सब के अलावा सब कुछ शुरू होने वाला है, मतलब वो फेस्टिवल का मेन आकर्षण अब शुरू होने वाला है जिसके लिए सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इन्विटेशन आ जाता है कैप्टन मैगेट से, जिससे मिलने लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब इसके अलावा राइनर एरन से पूछ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ उसका जवाब होता है मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ, मतलब जैसे तुम थे वैसे ही मैं भी हूँ अभी, मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं विली की स्पीच की तरफ, जहाँ वो बताता है कि लगभग 100 साल पहले एल्डियंस राज किया करते थे पूरी दुनिया पर अपने टाइटंस की शक्तियों के साथ, जो यूमीर की देन थी। अब इस सब के अलावा टाइटंस की शक्तियों की वजह से कई सारे लोग मारे गए थे, जो दुनिया की आबादी की दुगनी या तीन गुनी होगी, मतलब उनके अभी की दुनिया की आबादी के हिसाब से, जहाँ पर बहुत सारे कल्चर और सभ्यताएं खत्म होती जा रही थी। पर जब इन लोगों ने अपने दुश्मनों का खात्मा कर लिया तो भी इनकी भूख नहीं शांत हुई, और ये अपने ही लोगों को अपना शिकार बनाने लगे, और शुरू हुआ ग्रेट टाइटन वॉर, जहाँ पर 8 तरह के टाइटन थे जो आपस में लड़ रहे थे। जिस मौके का फायदा उठाने की सोची मर्लिन्स ने, और सामने आया उनका हीरो हेलस, जिसने बाद में टाइब्रस फैमिली के साथ हाथ मिलाया, और जो फिर मिलकर हराने में कामयाब हुए किंग फ्रिट्ज को, जिन्हें फिर उन लोगों ने पैराडाइज आइलैंड में खदेड़ दिया। और किंग के पास अब भी हो शक्ति है, जहां वो लाखों टाइटंस पे एक साथ काबू कर सकते हैं, और उनकी पूरी शक्ति से अभी भी पृथ्वी पे तहलका मचा सकते हैं, और हमारी दुनिया अब तक शांत है, ये सिर्फ उनका लक ही है। अब जहां पर उन्होंने उस जगह पे इन्वेड करने की सोची ताकि वो लोग पहला हमला ना कर सके, जिसके लिए उन्होंने 4 टाइटंस भेजे, जिनमें से सिर्फ आर्मर टाइटन ही वापस आ पाया, जिसका मतलब ये वो मिशन फेल हो गया, और इंसानों पे खतरा और एल्डियंस का शराब अब भी वजूद में। क्यों, बिल्कुल सही कहा ना राइनर, जिसके वजह से तुमने दीवार पे हमला किया था, ऐसा कहते हुए एरन उसको उत्साहता है। अब इसके अलावा यहाँ पे सिपाही येगर को बोलता है गेट की तरफ जाने के लिए, और इन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, मतलब जहाँ पर शायद ये मुझे काफी तक आर्मी लग रहा है, मतलब यहाँ पे कार टाइटन को पहचान लेती है काफी तक, और शायद पहचान रही है कि वो आर्मी ने, पर हाँ वो अपना एटीट्यूड दिखाता है कि वो मर्लिन की सेना में से, और वो किसी छोटे मोटे जाति वाले एटीट्यूड से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो मे बी आर्मी उन्हें लेके जाता है कमरे के अंदर जहाँ पर वो एक ट्रैप था, और वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, मतलब मुझे आर्मी नहीं लग रहा अब तक ये। उसके अलावा फैल्को देख रहा है कि यहाँ पे इतने डरे क्यों हैं राइनर या फिर ब्राउन जो भी इसका नाम है, और अगर क्रूगर इसके दोस्त है तो कितने साल पुराने दोस्त है इसके, अगर ये 4 साल से ज्यादा पुराने दोस्त है तो ये इन्हें शायद पैराडाइज आइलैंड में मिले होंगे, या फिर ये पूरा माजरा क्या है जो काफी तक कंफ्यूज कर रहा है फैल्को को। तो अब ओवरऑल जो भी कहानी यहाँ तक सुनाई विली ने वो सच नहीं थी, अब जो असली सच है वो सामने आ रहा है, मतलब 100 साल पहले जिसने जंग रोकी वो कोई और नहीं, वो थे किंग फ्रिट्ज, जो मर्लियंस के ऊपर हुए अत्याचार से काफी हद तक वाकिफ थे, और उन्होंने इस सब का क्रेडिट टाइब्रस फैमिली वालों से बात करके लेने दिया एक आम मर्लिन को, जो निकला हेलस। और इसके बाद वो बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे एल्डियंस को अपने साथ लेकर पहुंचे पैराडाइज आइलैंड में, जहाँ वो शांति से रहने लगे, मतलब जो भी शांति को भंग करेगा उसे हजारों टाइटन का सामना करना पड़ेगा, जहाँ उनका आखिरी मकसद सिर्फ शांति थी, जिसके वजह से उनका ये आइडिया आगे तक पास हुआ, और कभी भी किसी भी टाइटन ने उन पर हमला नहीं किया अब तक। और जब मर्लिन्स ने वार किया उनके दीवार के ऊपर और उनके ऊपर हमला किया, तो वो भी जस्टिफाई था काफी हद तक, क्योंकि ये काफी हद तक एल्डियंस के पाप का नतीजा था जो उन्होंने बहुत पहले किया था मर्लिन्स और पूरी दुनिया के ऊपर, जिसको किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता। और अगर तुम मुझे वार करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, और स्वर्ग की मांग करता हूँ अपने इस दीवार के अंदर की दुनिया में, जो कुछ आखिरी शब्द थे किंग फ्रिट्ज के, मतलब मर्लिन्स और टाइब्रस फैमिली के इस दुनिया को बचाने की बात सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी किंग फ्रिट्ज की,
जो मतलब काफी हद तक एक झूठ या फिर सच के बीच की बात है। लेकिन टाइवरस फैमिली इस बीच क्यों आई जब सब कुछ नॉर्मल ही था? तो इसका कारण कुछ और है, जहाँ पर उन्हें अपनी सेफ्टी देखनी है। और जो बात है वो काफी हद तक थोड़ी चेंज हो चुकी है पहले की तुलना में। अब वैसे कार्ट टाइटन और क्लॉड अर्टन इस गड्ढे में गिरे हुए जहाँ उनके हाथ पैर टूट गए, जिनको हील होने में टाइम लगेगा और वो लोग टाइटन की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसा कि इनका प्लान था। तो अब हम बढ़ते इस दुनिया में आ रहे खतरे की तरफ, जो खतरा जिसके लिए हाथ जोड़ा टाइवरस फैमिली वालों ने मोल्डिंस के साथ। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, जहां पर कार्ल फ्रिट्ज ने बनाई थी दीवार 3 लेयर की, जो बने थे मिलियंस ऑफ क्लॉसल टाइटन की शक्तियों से, जो शील्ड और स्पीयर दोनों की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले फ्रिट्ज की आइडियोलॉजी को चुरा लिया गया और उसकी शक्तियों को चुराया एक रिबेल मतलब बदला लेने वाले क्रांतिकारी इंसान ने, जिसके वजह से दुनिया दोबारा खतरे में पड़ सकती है और जिसका नाम है एरन येगर। अब जब हम अपने सिलाई किए हुए पैर को मतलब टाके लगाए हुए पैर को खोल देता है और उसका पैर हिलने लग जाता है और यहाँ फैल को सदमे में कि तुमने मुझे धोखा दिया, और जो चिट्ठी उसने पोस्ट की है वो उसे घर वालों को नहीं उसके साथियों तक पहुँचा दी गलती से फैल्को ने, जहाँ फैल्को का विश्वास टूटा है। लेकिन ये पहली बार नहीं जहाँ किसी का विश्वास टूटा है, ऐसा ही कुछ एरन के साथ भी हुआ था जहाँ उसके दोस्त राइनर और बर्टोल्ड या और एनी भी उनके दुश्मन निकले। तो अब आगे एरन बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि वो शांति का समझौता बनाए रखेगा जो हम पे हमला कर सकता है, जिसके वजह से उसको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। और एरन भी इसमें हामी भरता है कि हाँ शायद बिली ठीक है, मतलब ठीक कह रहा है, मैं एक बुरा इंसान हूँ, पर मेरे लिए तुम भी बुरे हो। उस दिन दीवार टूटी और मेरे सामने एक टाइटन ने मेरी मम को खा लिया, क्या तुम उसको समझा सकते हो क्यों हुआ? तो जहाँ पर सारी बात सामने रखता है राइनर की, हाँ मैंने उस दिन दीवार तोड़ा और जो भी हुआ आप जानते हैं। तो वह जहाँ पर राइनर शर्मिंदा और वो कह रहा है कि शायद तुम उसी बात का बदला ले रहे हो जो तुमने कहा था कि तुम मुझे एक बहुत खतरनाक मौत देने वाले हो। जहाँ पर एरन को सारी बातें याद नहीं है, मतलब समुद्र के इस पार के सारे लोग उसके दुश्मन थे, लेकिन उसने यहाँ पर इन लोगों के साथ एक छत शेयर किया, खाना शेयर किया और वो चीज़ें शेयर की जहाँ पे अब वो बिल्कुल राइनर की तरह ही है, जहाँ पे भरोसे वालों को मारने वाला है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी हद तक सेम है, मतलब समुद्र के इस पार के लोग भी काफ़ी हद तक पैराडाइज आइलैंड वाले लोगों की तरह ही है, जहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी है। लेकिन राइनर ने इन सबको राक्षस बताया, जहाँ पर राइनर माफ़ी मांगता है और अपनी सारी गलतियाँ कबूल करता है जो कि उसने अब तक किया, जैसे कि पैराडाइज आइलैंड में आना और उनके कैप्टन का मारा जाना और फिर उसके वजह से एनी और बर्टोल्ड का ही मारा जाना जहाँ पे वो वापस घर जाना चाहते थे और ये सारी बातें, और उसकी मॉम का मारा जाना भी उसी की वजह से हुआ। जब एरन से मौत की भीख मांगने लगता है अपनी गिल्ट को फील करके। अब इसके अलावा विली कहता है कि मैं अपने खून से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं एक एल्डियन हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इस देश का वासी भी हूँ जिसे इस दुनिया में शांति बनाए रखनी है, जिसके लिए ये जंग जरूरी है, जो स्पीच सबको भावुक कर देती है। और यहाँ पर जहाँ एरन है उस तरफ कुछ सोल्जर्स आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, जहाँ पर एरन कहता है मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा जब तक मैं अपने दुश्मनों को खात्मा नहीं कर देता, जहाँ पर एरन अपने टाइटन शक्तियों का इस्तेमाल करता है और फिर वॉट लगा देता है विली की। तो जंग का आगाज हो चुका है और जर बार ये बदला लेने की पैराडाइज आइलैंड वालों की। तो अब जानते हैं क्या हो सकता है आगे अटैक ऑफ टाइटंस के एपिसोड 6 में। तो यहाँ पर जंग का आगाज हो चुका है, जहाँ पर जंग शुरू हो चुकी और काफ़ी सारे लोग मारे गए इस दंग के फसाद में। और यहाँ पर हम सामने देख पाएंगे हैमर टाइटन को, मतलब वॉर हैमर टाइटन को, जो सामने आने वाला है आर्मर टाइटन के। तो देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे जीतता है एरन इसके अगेंस्ट और इस फाइट में आगे क्या होता है, मतलब मिकासा और एरविन कब देखने को मिलता है मैं, जो बिना टाइटन की शक्ति हुए काफ़ी खतरनाक है। तो अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 6 में? अपने विचार हमने चिकन सुनना, बिल्कुल लंबे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल लंबे तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।